बांग्लादेश के सेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए T20 त्रिकोणीय सीरीज के मैच पहले मैच में लगातार 7 गेंदों में 7 छक्के लगे। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जादरान ने मिलकर लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के जड़े और जिम्बाब्वे को 28 रनों से हराने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल पारी के 17वें और 18वें ओवर में यह 7 छक्के लगाए गए। तंदई चतारा पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए उतरे, तभी उनकी तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर मोहम्मद नबी ने लगातार 4 छक्के जड़े। इसके बाद नेविले मजदीवा 18वां ओवर करने आए और इधर नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाजी छोर पर पहुंचे। उन्होंने शुरू के 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े। इस तरह लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के लगे। हालांकि इन छक्कों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने युवराज के लगातार 6 छक्कों को भी याद किया। युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे और रिकॉर्ड बनाया था। त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम मेजबान बांग्लादेश है। शनिवार को खेले गए सीरीज के मैच में जीत के साथ ही T20 में अफगानिस्तान ने लगातार 11वीं जीत हासिल की है। वहीं जिम्बाब्वे ने अब तक अफगानिस्तान के खिलाफ 8 मैच खेले हैं और सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 197 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर उसने जिम्बाब्वे की टीम को 7 विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। अफगानिस्तान के लिए नजीबुल्लाह जादरान ने 30 गेंदों पर 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 69 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। जादरान को उनकी तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उनके अलावा रहमान उल्लाह गुरबाज ने 24 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों के सहारे 43 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद नबी ने 18 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी में 4 छक्के जड़े। जिम्बाब्वे की ओर से टेंडई चतारा और सीन विलियम्स ने 2-2 जबकि एंसली देवोलू ने 1 विकेट लिया। अफगानिस्तान से मिले 198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में उतरी जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। टीम के लिए रजिस चकावरा ने 22 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 42 रनों की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए फरीद मलिक और कप्तान राशिद खान ने 2-2 जबकि करीम जन्नत और गुलबदीन नैब ने 1-1 विकेट लिए, नाबाद 42 रनों की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए फरीद मलिक और कप्तान राशिद खान ने 2-2 जबकि करीम जन्नत और गुलबदीन नैब ने 1-1 विकेट लिए।